हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय किचन शालूज लव बुक। और आज मैं आपके लिए चाइनीज मैक्रोनी फ्राई लेकर आई हूँ। इसको आप वेजिटेबल मैक्रोनी भी बोल सकते हैं। इसको मैंने इंडियन स्टाइल में बनाया है, काफ़ी सारी वेजिटेबल्स का यूज़ हुआ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इसके साथ साथ बहुत हेल्दी है। आइए देख लेते हैं इसको हमें बनाना कैसे है। तो फ्रेंड्स, इस चाइनीज मैक्रोनी फ्राई को बनाने के लिए सबसे पहले हमें पानी को बॉईल करना होगा। तो हम मैक्रोनी को सबसे पहले बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए मैंने पैन में लिया है लगभग 3 ग्लास के करीब पानी लिया है। पानी को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। इसी बीच हम इसमें ऐड करेंगे नमक। तो 1 चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। और जब पानी अच्छे से बॉईल होने लगेगा तब इसमें हम ऐड करेंगे मैक्रोनी। मैं यहाँ पर लगभग 1 कप के करीब मैक्रोनी ऐड कर रही हूँ। तो इसे हमें 7 से 8 मिनट तक ओपन में ही पकाना है। और हमें ध्यान रखना होगा कि जो मैक्रोनी है वो ओवर कुक नहीं होनी चाहिए। ये देखिए लगभग 8 मिनट हो चुके हैं और जो हमारी मैक्रोनी पक चुकी है, ये देखिए आप देख सकते हैं ये ओवर कुक नहीं है। आप देख सकते हैं ये हल्की सी कच्ची है, बस हमें इसको ऐसे ही रखना है। क्योंकि जब इसको हम छान लेंगे और छानने के बाद में रख देंगे, इसके बाद में हम इसको फ्राई करेंगे, तब भी ये थोड़ी सी कुक होती है। तो इसको आप ओवर कुक ना करें। आप बोल सकते हैं लगभग 90% तक हम इसे पकाएंगे। तो इसको छलनी में मैंने निकाल लिया है, बाद में इसको ऑयल लगाकर हम यूज़ करेंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं मैक्रोनी फ्राई। तो चाइनीज़ मैक्रोनी फ्राई की रेसिपी बनाने के लिए देखिए मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में मैंने 1 टेबल स्पून के करीब तेल लिया है। मैंने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। मैंने इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया है। इसके साथ ही हम इसमें 2 से 3 हरी मिर्चों को महीन काटकर हम यूज़ करेंगे। हरी मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप इसमें हरी मिर्चों की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। तो दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लें। जिंजर और गार्लिक का रॉ फ्लेवर जाने तक हम इसे भूनना है। तो ये देखिए जिंजर गार्लिक भुन चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे प्याज। तो मैंने एक बड़े साइज की प्याज ली जिसको मैंने फाइनली चॉप कर लिया है, वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब प्याज को भी हमें अच्छे से भूनना है। तो लगातार चलाते हुए इसको हाई फ्लेम पर आप भून लें जब तक कि प्याज का कलर चेंज नहीं हो जाता और हल्का ब्राउन नहीं हो जाता। तो ये देखिए प्याज का कलर चेंज हो चुका है और आप देख सकते हैं प्याज ने हल्का सा ऑयल भी छोड़ दिया है। तो लगभग 2 मिनट लगे हमारी प्याज को पकने में। अब इसमें हम ऐड करेंगे सब्जियां। तो अपनी और अपने बच्चों की पसंद की आप कोई भी वेजीज इसमें ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लगभग 1/4 कप के करीब इसमें बॉइल्ड स्वीट कॉर्न यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो इसमें बॉइल्ड कॉर्न भी यूज कर सकते हैं। 1/2 कप हम इसमें डालेंगे चॉप्ड कैरेट्स। 1/2 कप हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन बेल पेपर्स यानी कि कटी हुई शिमला मिर्च। अगर आपको पीली और लाल शिमला मिर्च मिल जाती है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें कैबेज भी ऐड कर सकते हैं, फ्रेंच बीन्स ऐड कर सकते हैं, इसमें आप ब्रोकली ऐड कर सकते हैं, अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए सब्जियों को इस तरह से सॉटे कर लें। सारे काम को हमें हाई फ्लेम पर ही करना है। हाई फ्लेम पर सब्जियों को अच्छे से आप सॉटे कर लें। तो ये देखिए इस तरह से इनको सॉटे कर लें अच्छे से। और सॉटे करने के बाद में इसको हम ढक देंगे लगभग 2 मिनट के लिए ताकि जो सब्जियां हल्की सी गल जाए। बहुत ज्यादा हमें सब्जियों को गलाना नहीं है क्योंकि अगर ये बहुत गल जाएंगी तो देखने और खाने दोनों में अच्छी नहीं लगेंगी। तो 2 मिनट हो चुके हैं, हम सब्जियों को चेक कर लेते हैं। तो ये हल्की सी पक चुकी है, बहुत ज्यादा नहीं पकी है। और हमें सब्जियों को ऐसा ही रखना है ताकि जो सब्जियां उनका कलर भी चेंज ना हो और क्रंच भी रहे। तो ये देखिए सब्जियां हमारी कुक हो चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तो 1/2 कप के करीब हम इसमें टमाटर ऐड कर रहे हैं। टमाटर मैंने बाद में ऐड किया है क्योंकि जो सब्जियां हैं वो गल गई हैं हल्की सी, उसके बाद ही टमाटर ऐड करें। वरना टमाटर अगर आप पहले डाल देंगे, खट्टी चीज पहले डल जाएगी तो सब्जियां गलेंगी नहीं जल्दी। तो ये देखिए इस तरह से सॉटे कर लें। तो ओपन में ही आप इसको लगभग 2 मिनट तक सॉटे कर लें। तो हल्का सा टमाटर को मैंने गला लिया है। आप चाहें तो पूरी तरीके से टमाटर को गला सकते हैं। जब टमाटर पूरी तरीके से कुक हो जाए उसके बाद में आप इसमें बाकी की सॉसेज ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा चाहती हूँ कि टमाटर दिखे, इसलिए मैंने इसको बहुत ज्यादा पकाया नहीं है। अब ये देखिए नमक हम ऐड कर रहे हैं, तो स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दें। मैंने लगभग 1 चम्मच के करीब नमक ऐड किया है। और ये देखिए 1/4 टीस्पून से लेकर आधी चम्मच तक आप इसमें ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे कुछ सॉसेज। तो सबसे पहले तो 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें ऐड कर रहे हैं टोमेटो केचप यानी कि टमाटर की चटनी। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली सॉस। तो 1 टेबल स्पून के करीब हम इसमें रेड चिली सॉस ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास रेड चिली सॉस नहीं है तो आप इसमें ग्रीन चिली सॉस भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए अब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के करीब डार्क सोया सॉस। तो सारी चीजों को आप अच्छे से मिक्स कर लें। आप चाहें तो इसमें लगभग 2 से 3 पिंच के करीब आप इसमें अजीनोमोटो भी ऐड कर सकते हैं, आप पर डिपेंड करता है। तो अगर आप MSG ऐड करना चाहते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और उस केस में जब आप MSG ऐड कर रहे हैं तो आप इसमें नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी कम डालें, तो आप पर डिपेंड करता है। मैंने यहाँ पर कोई भी MSG का यूज नहीं किया है। और ये देखिए बॉइल्ड हमारी पास्ता है यानी कि मैक्रोनी है। तो ये देखिए इसको मैंने तेल लगा लिया था जब इसको मैंने छलनी में निकाल लिया था। एक बार वॉश करने के बाद में मैंने इसमें तेल लगा लिया था ताकि ये अलग अलग रहे। और ये देखिए इसको मैंने डाल दिया है कढ़ाई में। और ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लें आप इसको सब्जियों के साथ में।
और ये देखिए बस हमारी चाइनीज मैक्रोनी फ्राई बनकर बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो आप चाहें तो इसको मिक्स करके अच्छे से आप इसको इस तरह से मिक्स कर लें और बस हमारी चाइनीज मैक्रोनी फ्राई बनकर बिल्कुल रेडी है। ऐसे ही आप सर्व कर सकते हैं और चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी आप चीज स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये देखिए आप जितनी चाहें उतनी आप इस पर चीज डाल सकते हैं। मैं इस पर एक चीज का क्यूब ग्रेट करके ऐड कर रही हूँ। तो मोजरेला चीज ली है मैंने, उसका एक क्यूब मैंने लिया है, वो मैं इसमें ग्रेट करके ऐड कर रही हूँ। तो चीजी मैक्रोनी फ्राई हमारी बन जाएगी। तो जैसे चाहें आप इस मैक्रोनी को बना सकते हैं। इंडियन स्टाइल मैक्रोनी है, वेजिटेबल मैक्रोनी जो कि बहुत टेस्टी है। तो आपने देख लिया है इसको बनाना, तो चाहें तो इसको आप चीजी मैक्रोनी में कन्वर्ट कर सकते हैं और जितनी चाहें आप उसमें चीज ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए मिक्स कर लें हल्के हाथों से और बस हमारी वेजिटेबल मैक्रोनी फ्राई बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही बढ़िया है। आप चाहें तो लास्ट में इसके ऊपर थोड़ी सी ऑर्गेनो और थोड़े से चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया लगेगी। तो ये देखिए हमारी चाइनीज मैक्रोनी फ्राई बनकर बिल्कुल रेडी है। आप इसको बस गर्मा गर्म ऐसे ही सर्व करें, घर में बनाएं इसको। और कैसी बनी आप मुझे लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लग रही हो तो प्लीज जल्दी से लाइक का बटन दबा दीजिए। मुझे कमेंट में लिखकर बताइए आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस रेसिपी। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल। बाय बाय।